जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आप सभी का UPLMNL TG2 UPPCL TG2 की न्यूमेरिकल सीरीज में आप सभी का स्वागत है। वीडियो को आप लास्ट तक देखें, वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर फर्स्ट टाइम आया हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि हम आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो के अंतर्गत हम न्यूमेरिकल सीरीज की सेकंड वीडियो शायद ये है। तो इस वीडियो में हम आपको कुछ न्यूमेरिकल जो UPPCL और DRDO में वगैरह के जो टेक्नीशियन एग्जाम में TG2 के जो एग्जाम है उनमें पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, किसी बिंदु पर 20 वोल्ट का विभव है, अनंत से किस बिंदु तक आवेश को लाने में किया गया कार्य। देखिए, इसमें हिंदी में क्वेश्चन गलत टाइप हो गया है। उसके अलावा अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे, द पोटेंशियल एट द पॉइंट इज 20 वोल्ट, द वर्क डन टू ब्रिंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलम, यहाँ पे कूलम की वैल्यू नहीं हिंदी में डिक्लेयर की गई, फ्रॉम इन्फिनिटी टू इज, यानी कि किसी अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य जो आपका है वो आपका 0.5 कूलम का है। तो इसमें इन्होंने पूछा है आपको किया गया कार्य कितना कार्य करेंगे आप, इसमें जो चार्ज आपका दिया है 5 कूलम का और W पूछा है आपसे। ठीक है, तो इसे किस तरीके से सॉल्व करेंगे? जैसा कि आप सभी जानते हैं, विभवांतर की जो फार्मूला होता है वो आपका होता है किए गए कार्य बटे आवेश। तो आपको किया गया कार्य निकालना है, विभवांतर आपको दिया गया है। ठीक है, विभवांतर आपका 20 है और आपका कुल चार्ज आपका 0.5 है। अब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो आपका 10 जूल आ जाएगा। ठीक है, तो किया गया कार्य आपका कितना आया है? 10 जूल। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा, 10 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सल्फर तथा ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक क्रमशः 1, 32 और 16 है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का आणुभार क्या होगा? देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो फार्मूला होता है तो वो आपका होता है सल्फ्यूरिक H2SO4। ठीक है, अब इसमें सिंपली सारी चीज़ों की इन्होंने वैल्यू दी है, जैसे हाइड्रोजन की एक और ये गुणा में दो, तो एक गुणा दो, इस तरीके से आपकी सल्फर डाइऑक्साइड की भी दी है, तो इस तरीके से, और कार्बन डाइऑक्साइड की भी दी है, तो आप इसे कर लेंगे और नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे इन्होंने सबकी वैल्यू दी है एक गुणा दो, तो यहाँ पे एक की दो से गुणा करेंगे तो दो हो जाएगा, प्लस एस की 32 वैल्यू दी है तो 32 कर लेंगे और 16 की 4 से गुणा कर लेंगे, 64 हो जाएगा। इस तरीके से आपका 98 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व कर लेंगे, इसे डायरेक्ट आप फार्मूला लेंगे H2SO4। ठीक है, अब यहाँ पे एच की वैल्यू बन दी है तो एक गुणा दो, क्योंकि एक गुणा आपकी जो H2 है इसका, उसके बाद प्लस में आपका एस की वैल्यू लिख लेंगे, वो 32 दी है, और उसके बाद आपकी प्लस में 16 और ये 4 आपके ऑक्सीजन के 4 अणु हैं, तो 16 64 ये लिख लेंगे, तो टोटल आपका 98 हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 50 हर्ट्ज पावर आपूर्ति से संबंधित अवधि, इसमें टाइम पीरियड पूछा है। ठीक है, तो टाइम पीरियड निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? T=1/F होता है, 1/F। ठीक है, इसमें पावर आपकी फ्रिक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज, तो यहाँ पे 50 रख लेंगे और यहाँ पे आप इसे डिवाइड कर लेंगे, तो आपका इसमें ऑप्शन आपका 20 मिली सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, 0.2 सेकेंड आ जाएगा, इसे अगर मिली सेकेंड में चेंज करेंगे तो 20 मिली सेकेंड आ जाएगा। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करने लगा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धारा आई धारा है, बी वोल्टता है यानी कि वोल्टेज है, तो पावर का के समतुल्य होगा। तो पावर का फार्मूला पूछा है इन्होंने, P=2 होता है BI। ठीक है, तो पावर का फार्मूला होता है P=BI, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसमें पी की वैल्यू, क्योंकि इन्होंने वोल्टता के बारे में बताया है और धारा के बारे में बताया है, अगर आप बी की वैल्यू रख देंगे या आई की वैल्यू रख देंगे, I=2 होता है V/R। ठीक है, अगर आप इसमें आई की वैल्यू रख देंगे तो V/R हो जाएगा, तो V²/R हो जाएगा। इस तरीके से आप बी की वैल्यू रखेंगे तो सारे इससे कई क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन आपके ऑप्शन में सिंपली दिया है B×I, तो आपका यही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्युत की यूनिट निम्नलिखित के बराबर होती है, UPPCL TG2 में पूछा गया है, तो इसमें ऑप्शन आपके 1 kWh, 1 kWh या 100 वाट्स या 3600 वाट्स। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि एक यूनिट किसके बराबर होती है, तो एक यूनिट जो आपकी होती है
वो आपकी एक यूनिट होती है 1 KWH के। क्यों होती है? क्योंकि आपका ये फार्मूला होता है यूनिट निकालने का, ठीक है, इस यूनिट निकालने का बाट, जो आप जो भी आपके जैसे घर में कमर्शियल में जो आपके घरों में कितने कितने वाट की कौन कौन सी चीज़ें, वाट इंटू घंटा, कितने घंटे चली और कितने दिन चली। उसके बाद जैसे कि एक लाइट है 40 वाट की है और 5 5 घंटे रोज 15 दिन तक चलती है, तो उसमें आपको यूनिट निकालना है। तो इस तरीके से आप इस फार्मूले के थ्रू निकाल सकते हैं। उसके बाद डिवाइड कर देंगे 100 से, ठीक है, 1000 से, तो ये आपका यूनिट निकल आएगा। तो एक यूनिट के बराबर 1 KWH होता है और आपका यूनिट निकालने का फार्मूला ये आपका होता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 किलो ओम का मान क्या होता है। ठीक है, इसमें सिंपली UPSL TG2 में पूछा गया 2016 में, 2000 ओम होता है, 200 ओम होता है, 100 ओम होता है या 1000 ओम होता है। देखिए 1 किलो में अगर हम बात करें तो 1 किलो की बात करें इसमें 100 ग्राम 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है। इसी तरीके से आपके 2 किलो ओम में तो 2 किलो है तो आपके 2000 ओम हो जाएगा। सिंपली बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको ध्यान रखना है। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। वीडियो आपको कैसे लगे हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल में फर्स्ट टाइम आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।